Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about sexual reproduction in flowering plants. This is a chapter 2 of class 12th biology. Then you can see in this picture, this is a lecture 4. Then lecture 4 mein hum discuss karne wale hain about pollination. Okay? तो पॉलिनेशन तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था एक टिपिकल फ्लावर को, है ना, उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक मैच्योर फ्लावर को हम देखें, आप डायग्राम में देखिए उसमें क्या होता है, एक कैलिक्स होता है आपका, देन कोरोला, है ना, कोरोला आपका कलरफुल पार्ट होता है, कैलिक्स आपका ग्रीन पार्ट है, देन मेल पार्ट होता है आपका स्टेम एंड फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, राइट। उसके बाद हमने देखा था लेक्चर 2 में स्टेमेन के बारे में, पूरा स्टेमेन हमने अच्छे से कवर किया हुआ है ना। देन फिर आपका था पिस्टिल लेक्चर 3 में, तो आप उसको भी देख लीजिए, ओके। देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन, है ना, ये क्या होता है पॉलिनेशन, तो इसको देख लीजिए। देखिए आपके डायग्राम में दिख रखा है पॉलिनेशन, है ना, तो इस पॉलिनेशन को देखिए आप लोग। पॉलिनेशन में एक्चुअली क्या होता है, आपके पास एक फ्लावर होता है, तो उस फ्लावर में क्या होता है, सपोज दैट ये आपका स्टेमेन वाला पार्ट है, चलो मैं फिर से बना रही हूँ, ये आपका स्टेमेन था, इसमें एंथर है एंड दिस इज फ्लामेंट, तो इस एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, है ना। मैंने आपको समझाया था कि पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ समझाया हुआ है, बस याद रखिए पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, सपोज आपका एक ये फीमेल फ्लावर फ्लावर है, उसकी देखिए ओवरी है, देन ये आपका क्या है स्टिग्मा, देन ये पूरी स्टाइल है, देन ओवरी है, यहाँ पे क्या है ओव्यूल है, ठीक है ना। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन किसी भी एजेंट्स के द्वारा, ठीक है ना, इंसेक्ट्स के द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर में अगर आपके प्लांट्स हैं फ्लावर्स हैं तो वाटर के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ये पॉलन ग्रेन आपकी इस स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, ओनली इस स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम टाइप्स देखेंगे पॉलिनेशन के, है ना। तो देखिए ये आपका क्या है, पॉलिनेटर्स विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। पॉलिनेटर क्या हो गया, आपकी सपोज बटरफ्लाई है, ठीक है ना, तो बटरफ्लाई कहाँ की विजिट, कहाँ की फ्लावर पे, किस लिए, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसको क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए, है ना, इसको अपना फूड चाहिए इसको, तो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए कहाँ आई, आपके एक फ्लावर पे आई। जब फ्लावर पे आई तो इसके जो पैर होते हैं, ठीक है ना, तो उस पर क्या हुआ, आपके जो पॉलन ग्रेन थे वो क्या हुए, चिपक गए, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन वहाँ पे आ गए, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ, एक डायग्राम दिखा रही हूँ, उसमें आपका जस्ट वेट, ओके ओके, वेट वेट वेट, सॉरी। तो मैंने कहा कि देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, देखिए इस जो आपकी ये मधुमक्खी है यहाँ पे, तो लेकिन अगर आपका बटरफ्लाई है तो उसके जो पैर हैं या उसकी बॉडी है उस पर क्या चिपक जाते हैं, पॉलन ग्रेन, है ना। तो पॉलन ग्रेन जब उस पर चिपक गई, नेक्टर के लिए आई यहाँ पे, देन पॉलिन ऑन एनदर स्टिक्स टू पॉलिनेटर्स, है ना, जो पॉलिन होते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, देन पॉलिनेटर्स मूव टू एनदर फ्लावर, फिर पॉलिनेटर जो आपकी बटरफ्लाई है वो दूसरे किसी फ्लावर पे विजिट करती है, तो वहाँ विजिट के तो वहाँ पे क्या होगी, दूसरे फ्लावर, मतलब सेम स्पीसीज होनी चाहिए बट, है ना, तो उस दूसरे फ्लावर पर जब विजिट करती है तो वहाँ पर जो उसकी स्टिग्मा होती है, तो स्टिग्मा पर वो पॉलन ग्रेन आके स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो मैंने वही कहा था, जो पॉलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा पर आ जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो किसी वो पॉलिनेटर के द्वारा होगा, राइट, कोई ना कोई पॉलिनेटर होगा, लाइक आपका अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर आपके कई सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, बैट्स हो गया आपका, देन अगर आपकी विंड की बात करें तो विंड के द्वारा भी हो सकता है पॉलिनेशन, राइट। तो देखिए आप लोग, अब आप डेफिनेशन को देख लीजिए, पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मैंने क्या कहा कि पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से, एंथर ये एंथर है आपका, तो एंथर से
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ होता है? स्टिग्मा पर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। इट अकर्स ओनली इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये कहाँ कहाँ हो सकता है आपका? जिम्नोस्पर्म्स प्लांट में एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट में हो सकता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड इन एरिया ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें वो अपने आप को इवॉल्व किए एंड उनके अंदर एक अडेप्टेशन आया, वो क्या आया? पॉलिनेशन का, ठीक है ना। दे मेक यूज टू एक्सटर्नल एजेंट्स। इनको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज़ करते हैं, नीड होती है। लाइक आपका विंड हो गया, ठीक है ना, विंड से हो सकती है। अगर वाटर में आपके प्लांट्स हैं तो वाटर के द्वारा एंड किसी भी एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स लाइक आप किसी भी इंसेक्ट्स हो गया, है ना, देन आपका जो बैट्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स के द्वारा भी होता है आपका पॉलिनेशन, ठीक है ना। इन सब के द्वारा क्या होगा आपका? पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। एनिमोफिली होता है आपका, एबायोटिक एजेंसीज होती हैं एंड बायोटिक होती है। तो एबायोटिक में आपका आता है एनिमोफिली, बाई विंड के द्वारा होता है, ठीक है ना। हाइड्रोफिली में वाटर के द्वारा, देन आपका एंटोमोफिली इंसेक्ट्स एंड ऑर्निथोफिली बर्ड्स एंड कैरेक्टरोफिली क्या है आपका? बैट्स है, ठीक है, चमगादड़। ओके, तो देखिए आप लोग नेक्स्ट आप लोग डायग्राम देख लीजिए पॉलिनेशन का। मैं इसको रेज कर, तो देखिए पॉलिनेटर विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। इसने नेक्टर कलेक्ट किया। पॉलन ऑन एंथर स्टिक्स टू पॉलिनेटर, ठीक है ना। जो पॉलन ग्रेन थे वो आपके पॉलिनेटर पर स्टिक्स हो गए। देन पॉलिनेटर मूव्स टू अनदर फ्लावर एंड टू पॉलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम और भी है मेरे पास, ठीक है। पॉलिनेटर विजिट फ्लावर एंड कलेक्ट नेक्टर, ठीक है। पॉलन इज रब्ड ऑन टू पॉलिनेटर्स बॉडी, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन है वो रब्ड हो जाते हैं, उनसे चिपक जाते हैं पॉलिनेटर की बॉडी से। पॉलिनेटर यहाँ पे कोई भी हो सकता है आपका, बैट हो सकते हैं, बैट्स चमगादड़, देन आपकी वर्ड्स हो सकती हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। पॉलिनेटर्स कैरीज पॉलन ऑन इट्स बॉडी। जो पॉलिनेटर है, जो आपकी कोई वर्ड्स इंसेक्ट्स कोई भी है, वो कैरी करती हैं पॉलन ग्रेन को अपनी बॉडी पर, टू अनदर फ्लावर पर जाती हैं। फिर पॉलन इज डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। फिर पॉलन, जो आपकी पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर डिपोजिट कर देती है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब आ जाइए आप लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो फार पॉलिनेशन वाज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहले हम आपका 9th 10th क्लास में भी आप लोग पॉलिनेशन टू टाइप्स के पढ़ते हो। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है आपका, और सेकेंड वन होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन होता है आपका, और क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम जब 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि आपका पॉलिनेशन टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। पहले यही था, बट रिसेंटली डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन, पॉलिन के सोर्स के आधार पर हमने पॉलिनेशन को हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। हमने थ्री टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है ना। जैसे कि आपका फर्स्ट ओटोगैमी, ठीक है ना, जेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, इसी को हम बोलते हैं एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। ओटोगैमी, जेटोनोगैमी, जीनोगैमी या एलोगैमी, ठीक है। तो अब आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए ये देखिए पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। तो जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, इसी में हम बोल देते हैं कि ओटोगैमी होता है, जो सेम फ्लावर होता है, ठीक है ना। सेम फ्लावर है, इसमें डिफरेंट फ्लावर नहीं होता। बट इसमें जेटोनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर होता है ऑफ सेम प्लांट, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको अगर डायग्राम से बताऊं तो वेट करना, ओके देन ओके। देखिए सपोज दैट आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है ना। तो उस फ्लावर में क्या होगा आपका? ये आपके कोरोला हो गए, चलिए आपके कैलिक्स हो गए, ठीक है ना। ये आपके कोरोला हो गए, ठीक है। देन आपका यहाँ पे ये एंथर हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपकी ओवरी हो गई, अच्छे से बन नहीं पाई, ठीक है। तो सेम फ्लावर में क्या है कि इसके एंथर, ये एक ही फ्लावर है, तो इसके एंथर आपके इस स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे ओटोगैमी। और जेटोनोगैमी में क्या होता है कि आपका एक प्लांट है, चलिए ये प्लांट हो गया आपका, ठीक है, ये प्लांट है आपका, ठीक है। इस प्लांट में आपका एक फ्लावर आपका यहाँ लग रखा है, ठीक है, एक फ्लावर आपका, ठीक है, एक फ्लावर आपका यहाँ है और एक फ्लावर आपका यहाँ है। सेम प्लांट है, ठीक है ना, एक ही प्लांट है ये,
ठीक है, एक ही प्लांट है। देन यहाँ पे क्या है, आपके एंथर है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी, ये आपकी हम बना दी स्टिग्मा, देन ये आपकी ओवरी हो गई, ठीक है। तो अब वो जो इसके पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर पर नहीं जाएंगे, अगर सेम फ्लावर पर जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं ओटोगैमी। अब इसके जो जो इसके पॉलन ग्रेन है, जो इसके पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाएंगे, आपके दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, इस वाले फ्लावर पर, उसे हम बोलते हैं जिटोनोगैमी, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी बोलेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट फ्लावर होंगे ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट है उसके डिफरेंट फ्लावर को, फ्लावर पर जो पॉलन ग्रेन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी बोलते हैं। सेम फ्लावर पर होता है उसे हम बोलते हैं ओटोगैमी। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिनोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होगा कि एक आपका यहाँ, एक आपका सपोज दैट मैं पेन ले लूँ, है ना, देखिए एक आपका यहाँ प्लांट है और एक आपका यहाँ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो आपके यहाँ जाएंगे इतनी दूर, ठीक है ना। तो वो या तो किसी एजेंट्स के द्वारा जाएंगे, एजेंट क्या हो सकते हैं आपके, एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। अगर एबायोटिक है तो उसमें कौन आएगा, आपका विंड आ सकता है और वाटर आ सकता है, ठीक है ना। तो विंड के द्वारा जाएंगे, हवा के द्वारा जाएंगे पॉलन ग्रेन, और वाटर में होंगे आपकी प्लांट तो आपके वाटर के द्वारा जाएंगे। विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली और वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक में देखा जाए तो एंटमोफिली होता है, कैरेप्टोफिली होता है, मेलिकोफिली एंड ऑर्निथोफिली। एंटमोफिली बाई इंसेक्ट्स, कैरेप्टोफिली बाई बैट्स, मेलिकोफिली इन स्नेल्स एंड ऑर्निथोफिली बाई बर्ड्स, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन की। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है ना। मतलब इसमें पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर जाएंगे सेम फ्लावर में, और क्या हो सकता है, ऑफ एनदर फ्लावर भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि सेल्फ पॉलिनेशन में आपके दो टाइप आते हैं आपके, एक आपका आता है आपका ओटोगैमी राइट एंड जिटोनोगैमी, ठीक है ना, ओटोगैमी और जिटोनोगैमी। तो वही हमने बोला, या तो सेम फ्लावर हो सकता है और एनदर फ्लावर भी हो सकता है, बॉन्ड बाय सेम प्लांट, जो सेम प्लांट पर होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये आपका टू टाइप होता है। फर्स्ट वन है आपका ओटोगामी, ठीक है ना, ओटोगैमी है आपका, और सेकंड है आपका जिटोनोगैमी, ठीक है ना। सेकंड क्या है आपका, जिटोनोगैमी है। तो चलिए पहले हम ओटोगैमी को पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आपका जिटोनोगैमी को, ठीक है। तो देखिए ओटोगैमी को देखिए आप लोग, ठीक है। उससे पहले आपकी पिक्चर देख ली थोड़ा सा सेल्फ पॉलिनेशन की। देखिए इसमें क्या आपका सेल्फ पॉलिनेशन में, देखिए आप लोग, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट का सेम फ्लावर हो सकता है और एनदर, देखिए जिसके आपका एक ही फ्लावर है, यहाँ पे ये क्या है, स्टिग्मा है ना, ये आपकी ओवरी है पूरी, ठीक है, ये आपकी स्टाइल है, ये आप क्या एंथर है, देखिए एंथर है, एंथर से क्या निकला, पॉलन ग्रेन निकला, पॉलन ग्रेन आपका सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, ओटोगैमी, ठीक है ना। देन अब यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट है आपका, ये डिफरेंट फ्लावर है, एक आपका डिफरेंट फ्लावर है, एक आपका डिफरेंट फ्लावर है, तो यहाँ के जो पॉलन ग्रेन थे, ठीक है ना, इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन पर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिटोनोगैमी, ठीक है। तो चलिए ओटोगैमी को हम एक बार देख लेते हैं, राइट। देखिए आप लोग, इन ओटोगैमी पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड, इन ओटोगैमी पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। इट ऑलवेज अकर इन बाइसेक्चुअल फ्लावर। बाइसेक्चुअल फ्लावर क्या होगा, जिसमें आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्चुअल फ्लावर। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें आपका है ना मेल और फीमेल दोनों एक ही आपके फ्लावर में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्चुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर ओटोगैमी इट इज एसेंशियल दैट बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें आवश्यकता ये होती है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर होने चाहिए सेम टाइम पे। ओटोगैमी इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड, ये कई सारे फॉलोइंग मेथड से होता है, लाइक आपका फर्स्ट है होमोगैमी, तो इसको देख लीजिए आप लोग होमोगैमी को। इसमें क्या है होमोगैमी, इन होमोगैमी स्टेमेंस, वेट देखिए, इन होमोगैमी स्टेमेंस एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम,
सेम टाइम में मैच्योर होते हैं एंड आर ब्रॉट क्लोजर बाई ग्रोथ, ठीक है ना, एक दूसरे बहुत क्लोज होते हैं, बैंडिंग और फोल्डिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है इनमें. देन होमोगैमी अकर इन पोटैटो, वीट, राइस, मिराविलिस एंड कैथरेंथस इटी से, ठीक है ना. इन राइस, वीट एंड पी, एंथन स्टिग्मा ऑफ बाई सेक्चुअल फ्लावर होता है इसमें, मैच्योर बिफोर ओपनिंग ऑफ वर्ड इन टू फ्लावर टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना. जो फ्लावर हैं वो मैच्योर होते हैं बड के ओपनिंग होने से पहले, ठीक है ना. फ्लावर में बड की ओपनिंग पहले से मैच्योर हो जाते हैं उसमें स्टिग्मा एंड आपकी एंथर, ठीक है, तो इंश्योर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को. दिस इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन बोलते हैं. क्या बड, मैंने क्या बोला आपको, बड की ओपनिंग होने से पहले ही इसमें एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, एक फ्लावर में. तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड बर्ड पॉलिनेशन. इसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड पॉलिनेशन बोलते हैं, राइट. सेकंड आता है आपका ओटोगैमी में, होमोगैमी हो गया आपका, एक होता है क्लिस्टोगैमी. तो इसको देख लीजिए, क्लिस्टोगैमी को आप लोग, क्लिस्टोगैमी में देखिए, देखिए इसमें क्लिस्टोगैमी में इन कॉमेलिना, ठीक है ना, बैंगालेंसिस, व्योला, ऑक्जिलिस, एआर्चिस, ये सारे आपके फ्लावर हैं. तो द एंथर्स मैच्योर एंड वर्स्ट लिबरेटिंग देयर पॉलन ग्रेन. इसमें एंथर मैच्योर होते हैं, वर्स्ट होते हैं, अपने पॉलन ग्रेन को लिबरेट करते हैं इन अ क्लोज्ड फ्लावर में. किसमें, क्लोज्ड फ्लावर मतलब फ्लावर आपका ओपन नहीं हुआ है, ठीक है ना. जैसे कि एक बर्ड होती है तो बर्ड पहले ओपन होती है फिर एक फ्लावर में डेवलप होती है, तो ये क्लोज है, ठीक है ना, यहाँ पे ये ओपन नहीं हुआ है. सच प्लांट यूजुअली हैव टू टाइप ऑफ फ्लावर्स. इसके पास दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक अंडरग्राउंड क्लोज्ड फ्लावर कॉल्ड क्लिस्टोगैमी, ठीक है ना. अंडरग्राउंड फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी बोलते हैं. और एरियल फ्लावर विच ओपन लाइक नॉर्मल फ्लावर, ठीक है ना. ऊपर देखो, मैं एक आपको बता देती हूँ, जैसे कि सपोज दैट देखिए ये आपका, ठीक है ना, ये आपकी ज़मीन है अंदर, ठीक है, ये एरियल वाला पार्ट है, ठीक है ना, शूट वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट है. तो शूट में आपके जो यहाँ पे जो फ्लावर हैं, ठीक है, और जो आपकी यहाँ है, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड क्लोज्ड फ्लावर होते हैं उसे हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी. और जो ऊपर जो आपके एरियल पार्ट में फ्लावर होते हैं वो दिखते हैं एक नॉर्मल फ्लावर की तरह, बट वो होते नहीं है, ठीक है ना. तो एरियल फ्लावर्स विच ओपन लाइक नॉर्मल फ्लावर कॉल्ड जैस्मोगैमस, दिस फ्लावर लेटर बिकम क्लिस्टोगैमस इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है ना. और किसको इंश्योर करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन को. देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग डायग्राम में देख लीजिए, देखिए ये है जैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है ना, दिख रहे हैं आपको ओपन, बट ये ओपन नहीं होते हैं, एक क्लोज रहते हैं फ्लावर, ठीक है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ठीक है, अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं. इसमें भी देखिए जैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, अंडरग्राउंड है जमीन के अंदर. देन ये देखिए नॉर्मल जैस्मोगैमस फ्लावर दिख रहे हैं आपको, अंडरग्राउंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर. तो देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर वेरी स्मॉल एंड कलरलेस, ऑर्डरलेस. जो क्लिस्टोगैमस है, ठीक है ना, जो आपके ये वाले क्लिस्टोगैमस जमीन के अंदर हैं, अंडरग्राउंड हैं, वो कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, विदाउट नेक्टर, ठीक है ना, इनके पास कोई नेक्टर, बिकॉज दे नीड नॉट अट्रैक्ट इंसेक्ट, क्योंकि इनको कोई आवश्यकता नहीं होती इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए. एरियल फ्लावर आर लार्जर, एरियल फ्लावर कुछ लार्जर होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं एंड सेंटेड. इनमें ये ऑर्डरलेस नहीं होते हैं, सेंटेड होते हैं. प्लांट्स वियरिंग बोथ कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, ठीक है ना, प्लांट जो होता है वो दोनों ही रखता है, कैस्मोगैमस भी रखता है, क्लिस्टोगैमस, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कैस्मो क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, ठीक है. तो अब आप लोग, ठीक है ना, ये आपने फ्लावर देखा था, ओके. चलो हमने पहला क्या पढ़ा, सेल्फ पॉलिनेशन, मेरी बात को समझिए, हमने क्या पढ़ा था, जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन था उसमें ओटोगैमी को पढ़ लिया, सेम फ्लावर को पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे जिटोनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है. तो देखिए इसमें जिटोनोगैमी में, इन जिटोनोगैमी पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, ठीक है ना. सेम प्लांट होता है बट इसमें एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, ठीक है ना. सपोज है इन जिटोनोगैमी में, तो पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर, ठीक है ना, एक आपका फ्लावर है, ये आपका दूसरा फ्लावर है, तो इसके पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर जाते हैं बट ये एक ही प्लांट के होते हैं, ठीक है ना. फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, सिंस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बिलोंग टू द सेम पेरेंट, ठीक है, सेम पेरेंट प्लांट के होते हैं. बोथ ओटोगैमी एंड जिटोनोगैमी रिप्रेजेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना. ओटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों ही रिप्रेजेंट किसको करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, आप लोग डायग्राम में देखिए एक बार और, देखिए जिटर का मैं इसको रेज कर दूँ, वेट, देखिए अब इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू आइदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, ठीक है ना, सेम प्लांट होते हो जेनेटिकली भी सिमिलर प्लांट होते हैं. इन जिटनोगैमी द फ्लावर ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वंस फाउंड इन जिनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट है आपका सेम प्लांट, ठीक है ना, देन देखिए यहाँ पे आपको तीनों शो किए गए हैं, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन भी है आपका, क्रॉस भी है. देखिए जिटनोगैमी फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द स्टिग्मा. देखिए ये आपका है जिटनोगैमी. देखिए सेम प्लांट है, एक ए प्लांट है आपके पास, एक बी प्लांट है ना, तो ए प्लांट का ही आपके ये कुछ फ्लावर हैं, ये आपके दूसरे फ्लावर हैं, तो इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी. और अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं ओटोगैमी, है ना. और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है. तो हमने क्या देखा, अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन में ओटोगैमी और जिटनोगैमी देखा है, देन अब हम देखेंगे आपका ये क्रॉस पॉलिनेशन या जिनोगैमी, राइट. तो देखिए आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन को, चलिए क्रॉस पॉलिनेशन जिनोगैमी और एलोगैमी भी इसे बोलते हैं. तो क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है ना. यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्लांट होता है, ठीक है ना, सेम प्लांट नहीं होता, ठीक है ना, डिफरेंट प्लांट होता है. तो एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये प्रोसेस सारा, ओके. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जिनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी. द टर्म एलोगैमी इंक्लूड बोथ जिटनोगैमी एंड जिनोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसीज. तो इसमें परफॉर्म क्या होती है, क्या हेल्प की जरूरत होती है हमें, एक्सटर्नल एजेंसीज की. इट मे बी एबायोटिक, ये एबायोटिक हो सकती है, जैसे विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक हो सकती है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स. क्रॉस पॉलिनेशन इज नेम्ड आफ्टर एजेंसीज दैट असिस्ट. इसमें कई सारे आपके प्रोसेस हैं, तो पहले उनको देख लीजिए आप लोग. देखिए जैसे एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है, देन हाइड्रोफिली है आपका तो वाटर पॉलिनेशन, एंटमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली वर्ड पॉलिनेशन, कैरेप्ट्रोफिली पैट पॉलिनेशन एंड मेलकोफिली स्नेल पॉलिनेशन. ये आपकी सारी इसमें एजेंसीज हैं, ठीक है. तो चलिए क्रॉस पॉलिनेशन को हम देख लेते हैं एक बार. क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वेट ओके व्हाट हैपेंड, इसका पेन वर्क नहीं कर रहा था. ओके देखिए तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, बस स्पीसी सेम होनी चाहिए, ठीक है. तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन है, इसका आपका पॉलन ग्रेन यहाँ गया, दूसरा फ्लावर है ये, ठीक है. और भी देख लीजिए आप लोग, ये आपका डल है, इसको छोड़िए, इसको देखिए. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट. यहाँ देखिए सेल पॉलिनेशन है, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पर जा रहा है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, देन यह क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जा रहा है, ठीक है. चलिए फिर देन हमने बात की थी आपकी एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन, ठीक है. तो एक बार हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, है ना, राइट. तो देखिए आप लोग, देखिए
advantage of cross-pollination. Cross-pollination introduce genetic recombination and hence variation in the progeny. मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो जीन है ठीक है ना, तो नए नए जीन इसमें आते रहते हैं, वेरिएशंस आते रहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज द एडेप्टिबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग. ये एडेप्टिबिलिटी को शो करता है ऑफस्प्रिंग में चेंज इन द एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजिंग होगी तो ये एडेप्टिबिलिटी को शो कर देगा. इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ठीक है ना, वो बेटर फिटेड होंगे ठीक है ना अपने एग्जिस्टेंस के लिए. द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन आर मोर रेसिस्टेंट टू डिजीज. ठीक है ना, और ये डिजीज में भी रेसिस्टेंट होंगे. ठीक है ना, यील्ड नेवर फॉल ब्लो एंड एवरेज मिनिमम. न्यू एंड मोर यूजफुल वेराइटीज कैन बी प्रोडक्शन थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज देख लीजिए. इन हाईली वेस्टफुल बिकॉज प्लांट हैव टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन. ठीक है ना, ये बड़ी संख्या पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं एंड अदर एसेसरी स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू शूट द वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंसीज. इसमें कई सारी एजेंसी की जरूरत होती है. इसके अ फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन. इट इज लेस इकोनॉमिकल होते हैं. सम अनडिजायर्ड करेक्टर मे डीप इन द रेस. ठीक है ना, द वेरी गुड करेक्टर ऑफ द रेस आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड. चलिए इनमें हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है ना, सेम फ्लावर के जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका सेम फ्लावर है ठीक है ना, मैंने कहा था कि ये आपका एक फ्लावर है, यहीं पे आपके एंथर है, यहीं पे आपकी स्टिग्मा है, तो इसके पॉलन ग्रेन इसी पे चले जाएंगे. ठीक है, तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर. आपका एक फ्लावर, ये दोनों एक ही प्लांट के हैं, तो इस पे भी आपके जा सकते हैं. देन इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा अनदर फ्लावर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसी. सेम स्पीसी हो लेकिन डिफरेंट प्लांट है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी. इसमें किसी भी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती, बट यहाँ पे होती है एक्सटर्नल एजेंसी एजेंट की आवश्यकता. लाइक आपके विंड वाटर इंसेक्ट्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम. यहाँ पे सेम टाइम मैच्योर होना चाहिए. बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम. यहाँ पे डिफरेंट टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. इट कैन अकर इवन वैन द फ्लावर इज क्लोज. ठीक है ना, इसमें फ्लावर क्लोज होते हैं तब भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बट यहाँ पे क्लोज नहीं होने चाहिए. इट अकर ओनली वैन द फ्लावर इज ओपन. ये तभी होगा जब फ्लावर ओपन होगी, और ये क्लोज में भी हो सकता है. प्रोड्यूस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग. इसमें सेम स्पीसीज होंगी, होमोजाइगस होंगी, और इसमें डिफरेंट स्पीसीज भी ऑफस्प्रिंग हो सकती है. डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरियंट्स. ठीक है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता है, बट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस. इसमें वेरिएशंस होते हैं. चलिए और भी देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में. इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और अनदर प्लांट ऑफ सेम काइंड. इट अकर ओनली इन बाइसेक्चुअल फ्लावर. इट टेक प्लेस बोथ इन यूनिसेक्चुअल एंड बाइसेक्चुअल फ्लावर. ठीक है ना, ये ओनली बाइसेक्चुअल में हो सकता है, यूनिसेक्चुअल एंड बाइसेक्चुअल दोनों में हो सकता है. इट इज़ नॉट टू लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी. इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती, बट इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है. अब हम बात कर लेते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की. द एजेंट्स ऑफ वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें जो वेक्टर के जो एजेंट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए. इन एंजियोस्पर्म्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज. हमने इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. सच एज आपका जैसे फर्स्ट है एबायोटिक, लाइक का आपका विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक में सच एज एनिमल्स. देखिए इसमें एजेंट्स एबायोटिक, विंड एंड वाटर. ठीक है ना, विंड में जो आपके फ्लावर हैं तो विंड से आपकी पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पर जाएंगे. देन यहाँ पे वाटर में कुछ हैं, इसके आपका लोटस, उसमें वाटर के द्वारा ही होता है. देन बायोटिक में जैसे कि वर्ड्स के द्वारा. ठीक है ना, वर्ड्स वहाँ पे इंसेक्ट्स को खाने आती हैं तब हो सकता है. देन इंसेक्ट्स वहाँ पे नेक्टर को लेने आते हैं. देन रेप्टाइल्स के द्वारा भी हो सकता है, एंड मैमल्स आपकी बैट्स के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट और देखिए पॉलन एजेंट्स. ठीक है ना, एबायोटिक फैक्टर विंड एंड आपका वाटर के द्वारा. ठीक है ना, बायोटिक में वर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फैट्स. नेक्स्ट देख लीजिए. चलो ये डल है बट फिर भी देख लो. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एबायोटिक फैक्टर एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन. एजेंट बायोटिक क्या है, जूफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कैरेप्टोफिली एंड मेलिकोफिली. ओके देखिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन.
agent of pollination. A pollinator is any agent that transport pollen from male to female reproductive part of flower of the same plant species. Pollinators include water, wind, insects, moth, butterfly, fly, bees and petals. यहाँ देख लीजिए सेल पॉलिनेशन ऑटोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन जिटोनोगैमी एंड ओलोगैमी. तो जिटोनोगैमी जिनोगैमी एंड ओलोगैमी को हमने डिवाइड किया है. एनोफिली विंड एंड हाइड्रोफिली वाटर बायोटिक एजेंसीज में देखिए आपका बेटल्स के द्वारा मौत के द्वारा बीज बटरफ्लाई स्नेल्स बर्ड्स बैट्स एंड अंट्स. ठीक है तो पहले हम देख लेते हैं आपका एनोफिली को और विंड पॉलिनेशन. ठीक है ना तो द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय विंड. ठीक है ना फ्लावर का जो पॉलिनेशन है वो विंड के द्वारा होता है हवा के द्वारा होता है उससे हम बोलते हैं एनिमोफिली. एडेप्टेशंस इन एनिमोफिलस फ्लावर्स वो देख लीजिए फ्लावर आर कलरलेस. इसमें फ्लावर क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं है ना. देन इनकॉन्स्पिशियस होते हैं. ठीक है ना बहुत छोटे होंगे आपके तुच्छ बोल सकते हैं. देन विदाउट फ्रेगरेंस एंड नेक्टर. इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं होगी कोई नेक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेक्टर अगर नेक्टर होता यहाँ पे तो आपके कोई इंसेक्ट्स आता उसको तो नेक्टर की आवश्यकता है. ठीक है ना विंड में क्या आपकी पॉलन ग्रेन है वो अपने आप विंड में चले जाते हैं. यहाँ कोई ना फ्रेगरेंस ना नेक्टर किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है. देन कलरलेस होते हैं मतलब कलरफुल भी नहीं होते कि हाँ कोई इंसेक्ट वो कलर को देख के अट्रैक्ट हो. देन पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी. जो पॉलन ग्रेन्स है वो लार्ज क्वांटिटी में आपके प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि अगर वो लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होंगे इसके आपको यहाँ से आपके 2 किलोमीटर वाले फ्लावर को जाना है तो लार्ज क्वांटिटी कुछ आपके वेस्ट हो जाएंगे इसलिए लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल फ्लावर ऑफ कैनाबिस. ठीक जो कैनाबिस आपका है वो प्रोड्यूस करता है आपके पॉलन आपके 5 लाख पॉलन ग्रेन्स को एंड 25 बिलियंस बाई अ टेसल ऑफ मेज. जो आपकी मक्का होती है वहाँ से जो टेसल है उसके द्वारा 25 बिलियंस आपके पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं. द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट बहुत हल्के होते हैं क्योंकि हल्के नहीं होंगे तो आपकी हवा में वो उड़ेंगे कैसे है ना फ्लाई कैसे करेंगे. द ड्राई होते हैं एंड समटाइम्स विंग्ड और उनमें कुछ पंख होते हैं विंग्ड होते हैं जिसकी मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया था लाइक आपका स्टेप्स ये विंग्ड है ना. ठीक है ना तो विंग्ड होते हैं सो दैट दे आर इजीली ब्लाउन आराम से वो ब्लो मतलब ब्लाउन कर सकते हैं उड़ सकें विंड के द्वारा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है यहाँ पे लॉन्ग है LONG लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 1300 किलोमीटर राइट इतनी किलोमीटर के लिए भी देखिए एनोफिली को. इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बाई और ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द एजेंसीज ऑफ विंड कोकोनट पाम डेट पाम. ठीक है ना एंड मेज मैनी ग्रासेस कैनाविस कैनाविस आपको एग्जाम्पल याद रखना है. ठीक है ना द फ्लावर्स आर कलरलेस ओडरलेस एंड नेक्टरलेस ये समझाया था मैंने आपको. पॉलन ग्रेन आर लाइट स्मॉल विंग्ड और डस्टी ड्राई स्मूथ नॉन स्टिकी स्टिकी भी नहीं होने चाहिए एंड अनविजिबल. ठीक है ना स्टिग्मा इज हेयरी. जो स्टिग्मा हाँ अभी तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा क्या होगी हेयरी होनी चाहिए जिससे कि वो हेयरी होगी तो उस पर आके पॉलन ग्रेन वो चिपक जाएंगे. फैदरी होनी चाहिए और ब्रांच होनी चाहिए टू कैच द विंड बॉन्ड पॉलन ग्रेन. ठीक है ना जो पॉलन ग्रेन को कैच कर सके. ओके नेक्स्ट आपका है पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं बहुत बड़ी संख्या में. ठीक है ना देखिए एनोफिली इट इज द पॉलिनेशन बाय विंड स्मॉल फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय एनोफिली. दिस प्लांट प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत बड़ी संख्या में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं जैसे ग्रासेस राइस बैम्बू में भी यही होता है एंड सुगर कैन. ठीक है चलिए और भी देख लीजिए आप लोग मैं इसको थोड़ा रेस कर दूँ उसके बाद आप लोग को बताती हूँ. ओके द स्टिग्मा आर यूजुअली ब्रांच्ड. ठीक है ना इसमें कैसे ब्रांच होनी चाहिए ब्रॉड होनी चाहिए लार्ज वेल एक्सपोज्ड बाहर निकली हुई होनी चाहिए तभी तो स्टिग्मा सॉरी तभी तो पॉलन ग्रेन उस पर आके चिपकेंगे एंड जो हेयर टू कैच पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एयर. ठीक है ना हेयर होनी चाहिए जो कैच कर सके पॉलन ग्रेन को एयर से. व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं द स्टेमिनेट फ्लावर्स आर मच मोर न्यूमरस. जो स्टेमिनेट फ्लावर हैं मतलब जो स्टेमेंस हैं वो अधिक संख्या में होते हैं देन द पिस्टुलेट वंस. पिस्टिल से ज़्यादा अधिक संख्या में क्या होते हैं आपके कौन होते हैं स्टेमेन होते हैं. इन सर्टेन केसेस फ्लावर आर प्रोड्यूस बिफोर द अपीयरेंस ऑफ लीव्स टू इंक्रीज चांस ऑफ पॉलन ग्रेन रीचिंग द स्टिग्मा. कुछ केसेस में क्या होता है जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं बिफोर द अपीयरेंस ऑफ लीव्स. ठीक है ना लीव से पहले ही प्रोड्यूस हो जाते हैं टू इंक्रीज चांस ऑफ पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन की चांस को बढ़ाने के लिए मतलब
पॉलिनेशन की वहाँ पॉलिनेशन की चांस को बढ़ाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, रीचिंग द स्टिग्मा। कैलेक्स एंड कोरोला आर आइदर रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस जाते हैं, एंड एबसेंट, ठीक है ना, एबसेंट है। एंथर आर यूजली एक्सर्टेड एंड वर्सेटाइल, एक्सर्टेड होता है एंड वर्सेटाइल मतलब मूव करने वाला, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाऊँ डायग्राम में, ये आपका लाइक वर्सेटाइल ही है, ठीक है ना, ये वर्सेटाइल ही से हम बोलते हैं। ओके, इस टाइप से आपका देख, नेक्स्ट देखिए आप लोग। इन प्लांट लाइक यूट्रिका एंथर वर्क सडनली टू थ्रो पॉलन ग्रेन इन टू द एयर कॉल्ड गन पावर मैकेनिज्म, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, गन पावर मैकेनिज्म। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ग्रासेस, सुगर केन, मेज, बैम्बू, कोकोनट पाम, डेट पाम, कैनाबिस एंड अमेरेंथस ईटीसी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आपका मेज का है, फ्रेगमेंट इज लॉन्ग एंड लूज, ठीक है ना, वर्सेटाइल है आपका। एंथर इज लोब्ड विथ पॉलिन, इट डेंगल्स लूजली फ्रॉम द फ्लामिन दस एक्सपोजिंग द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा इज फैदरी है एंड आइडली अडेप्टेड टू कैच पॉलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोफिली की। देखिए इसमें हाइड्रोफिली और वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर थ्रू वाटर, वाटर के द्वारा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिलस, हाइड्रो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, हाइड्रोफिलस फ्लावर में, जो आपके हाइड्रोफिलस फ्लावर होते हैं उनमें। ओके, हाइड्रोफिलस फ्लावर में, हाइड्रोफिलस फ्लावर आर स्मॉल होते हैं, इनकॉन्सपिस होते हैं, तुच्छ बोल सकते हैं, विदाउट नेक्टर एंड ऑर्डर होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, ठीक है ना, अनवेजिटेबल मतलब भीगे हुए नहीं होते हैं, ठीक है ना, वजन नहीं होता है ज़्यादा, अनवेजिटेबल, अनवेजिटेबल पेरेंट होता है। अदर फ्लावर पार्ट्स आर पॉलन ग्रेन एंड अदर फ्लावर पार्ट्स एंड पॉलन ग्रेन भी, लॉन्ग एंड स्टिग्मा होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए हाइड्रोफिली में, इट इज़ द मोड ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द एजेंसीज ऑफ वाटर, जैसे जोस्ट्रा में आपको मिलेगा, बैलिसनेरिया में, ठीक है ना, एंड कैरेटोफाइलम में, हाइड्रा में एंड लेमा में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोफिली है, ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए। ओके, देन ये भी है आपका, ठीक है, दोनों ही है, ये सारे पिक्चर्स आपके हाइपोहाइड्रोफिली के हैं। देखिए वाटर है यहाँ पे, राइट, फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्सपियस, नेक्टर एंड ऑर्डर आर एबसेंट, पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड अनवेजिटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर, ठीक है ना, एंड स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी बट अनवेजिटेबल। नेक्स्ट देखिए, पॉलिनेशन ऑफ बाई वाटर डज नॉट अकर इन ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, सारे एक्वेटिक प्लांट में नहीं होती है, बट इन एक्वेटिक प्लांट्स विद इमर्जेंट फ्लावर्स, कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं, इमर्जेंट होते हैं, ठीक है ना, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई एयर और बाई इंसेक्ट्स, इनमें इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है, जो बाहर निकले हुए फ्लावर्स होते हैं उनमें इंसेक्ट्स द्वारा, एयर के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है, एज इन वाटर लिली एंड लोटस, जिसकी वाटर लिली लोटस में होता है, इन वेलिसनेरिया, हाइड्रोला एंड जोस्ट्रा ईटीसी, इनमें हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन अकर होता है, हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन होता है। हाइवर हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है ना, जो आपकी वाटर के सर्फेस के अपर पार्ट में होगी, सतह पर होगी उसे बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली, नीचे होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं आपकी एपी हाइड्रोफिली को, एपी हाइड्रोफिली, तो इसको देख लीजिए, एपी हाइड्रोफिली को, एपी हाइड्रोफिली अकर इन दोज एक्वेटिक प्लांट, ये उन एक्वेटिक प्लांट में होती है वेयर, जहाँ फ्लावर रिमेन्स एट द सरफेस ऑफ, रिमेन्स एट द सरफेस ऑफ वाटर एज इन वेलिसनेरिया, ये वेलिसनेरिया में आपको देख के मिलेगा, जिसके आपको ये वाटर है, ठीक है, नीचे क्या है आपका, वाटर है नीचे, वेट, ठीक है, आपका नीचे क्या था, आपका वाटर था, ठीक है, यहाँ क्या है आपका वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस पे आपको क्या मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है, तो फ्लावर रिमेन्स एट द सर्फेस ऑफ वाटर एज इन वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया आपको देखने को मिलेगा। इन वेलिसनेरिया द प्लांट्स आर डायोसियस, वेलिसनेरिया प्लांट क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, द मेल फ्लावर आर स्मॉल शॉर्ट, ठीक है, मेल फ्लावर स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है, स्टॉक होता है एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और लार्ज नंबर में होता है। देन दीज फ्लावर आर सराउंडेड बाई अ स्पैथी अंडर वाटर, ठीक है ना, ब्रैक्ट, इसमें एक इसका चार तरफ क्या होता है, ब्रैक्ट होता है अंडर वाटर में। द फीमेल फ्लावर ऑन द अदर हैंड आर सोलिटरी, अकेला होता है, एंड आर बोर्न ऑन द लॉन्ग, इसका लॉन्ग एंड कॉल्ड स्टॉक होता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए वेलिसनेरिया, देखिए यहाँ पे देखिए कई सारे मेल फ्लावर हैं, ठीक है, फीमेल फ्लावर देखिए बाहर को निकली हुई है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे,
ठीक है ना, और आपकी सिंगल होती है और लॉन्ग स्टॉक होता है, ठीक है ना, रिवन शेप्ड लीफ है ये, क्या आपकी लीफ है, ठीक है ना, मेल इन्फ्लुएंस है आपका, ठीक है ना, ये रूट है, ओके। देख लेना आपने फीमेल फ्लावर की बैलिसनेरिया का ही है, ओके, ये बैलिसनेरिया का ही है, ठीक है ना, फीमेल आपकी बाहर को निकलोगे लॉन्ग है, ठीक है, और कई सारे होते हैं आपके मेल फ्लावर, ये फीमेल है आपकी, ठीक है। तो देखिए, ऑन मैच्योरिंग मेल फ्लावर गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। मैच्योरिंग के टाइम में जब मेल फ्लावर होता है गेट डिटैच होता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से एंड फ्लोट करता है ऑन द सरफेस पर ऑफ वाटर में ओइंग टू द ओपनिंग ऑफ द पेरियंथ इन टू अ बोट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बनाता है, जो इसके पेरियंथ होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, टू द ओपनिंग होता है ऑफ द पेरियंथ में, जिसके पेरियंथ है वो एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एट द सेम टाइम फीमेल फ्लावर राइज टू द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, फीमेल फ्लावर है वो सर्फेस के बाहर आ जाती है बाई द स्ट्रेंथनिंग स्टॉक, ठीक है ना, जो स्टॉक होता है वो अपने स्ट्रेटनिंग, देखिए आप लोग यहाँ पे आपने स्ट्रेटनिंग देखा, ये देखिए स्ट्रेटनिंग फ्लावर है आपका, स्टॉक है इसका, ठीक है ना, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्टॉक एज द मेल एंड फीमेल फ्लावर कम क्लोजर वाइल फ्लोटिंग करते हैं, क्लोज में आ जाते हैं, द मेल फ्लावर आर ड्रॉन इन द डिप्रेशन ऑफ फीमेल फ्लावर एंड एंथर कम इन कॉन्टेक्ट विद लार्ज ट्रिफ्ट स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, दे वर्स्ट होती हैं, पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, विच स्टिकी, और कैसे होते हैं, स्टिकी होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना, स्टिकी होते हैं एंड स्टिकी स्टिक टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा चिपक जाते हैं, आफ्टर पॉलिनेशन द फीमेल फ्लावर क्लोज, ठीक है ना, क्लोज जाती है एंड देयर लॉन्ग स्टॉक कर्ल अप, और इसकी लॉन्ग स्टॉक कर्ल हो जाती है, ड्रॉइंग द फ्लावर ब्लो द सर्फेस ऑफ वाटर, और नीचे की तरफ चली जाती है डाउन इन द मड, मड में, ठीक है ना, वेयर द सीड एंड फ्रूट राइपन, और इसमें सीड एंड फ्रूट क्या हो जाते हैं, फिर राइपन होते हैं, ठीक है ना, ये होता है आपका बैलिसनेरिया का। अब हम देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, तो देखिए आप इसको, हाइपोहाइड्रोफिली अकर इन टोटली सबमर्स्ड प्लांट, ठीक है, ये सबमर्स होता है, पानी में डूबे हुए प्लांट होते हैं, लाइक जोस्ट्रा एंड केराटोफाइलम में मिलते हैं आपको, इन जोस्ट्रा मैराइन और मैराइन सबमर्स्ड एंजियोस्पर्म होता है ये, द पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग होते हैं, पॉलन ग्रेन लॉन्ग होते हैं, रिमन लाइक होते हैं, अबाउट 250 म्यू मीटर होते हैं, म्यू होते हैं लंबाई में, एंड विदाउट एक्चाइन, तो कोई भी एक्चाइन नहीं होती है, द फ्लोट फ्लो द वाटर, ये वाटर में फ्लो करते हैं, मतलब ब्लोन करते हैं, मतलब तैरते हैं सरफेस पे, द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर आर ऑल्सो क्वाइट लॉन्ग, ये भी लॉन्ग होती है, द इलांगेटेड पॉलन ग्रेन ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास पहुँचता है, कॉल अराउंड इट एंड जर्मिनेट एंड ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, फिर क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका जोस्ट्रा, तो जोस्ट्रा देखिए स्टेमिनेट फ्लावर है आपका ये, ठीक है ना, वाटर लेवल है, मेल फ्लावर है आपका, पिस्टुलेट फ्लावर है, ठीक है, देन और है आपका केराटोफाइलम, आपकी केराटोफाइलम डेमर्सम इज अ सबमर्ज फ्रेश वाटर प्लांट है आपका, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, इट वियर्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, अ मेल फ्लावर बियर्स 30-45 स्टेमेंस, द मेच्योर एंथर गेट डिटैच्ड एट द बेस, फ्लोट टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड अंडरगो डाइसेंस टू लिबरेट द पॉलन, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड सिंक इन वाटर, वाइल सिंकिंग इन वाटर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद लॉन्ग स्टिकी एंड स्टिकी स्टिग्मा एंड अफेक्ट पॉलिनेशन ऑफ द फीमेल फ्लावर। अब हम बात करते हैं एंटमोफिली की और इंसेक्ट पॉलिनेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी बोलते हैं। देखिए एंटमोफिली और इंसेक्ट पॉलिनेशन, वैन पॉलिनेशन इज ब्राउट अबाउट बाई द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट, इसमें क्या होता है, जो एजेंसी वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, ये आपका एंटमोफिली, इट इज़ नोन एज एंटमोफिली और इंसेक्ट पॉलिनेशन, जैसे मॉथ्स आएंगे, वेटल्स, बीज, बास, बटरफ्लाई, आंट्स, फ्लाइज, इटीसी, आर द इंसेक्ट दैट पॉलिनेट फ्लावर, जो फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, ऑफ दिस बीज आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती हैं, इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर, इंसेक्ट फ्लावर पर विजिट करते हैं फॉर नेक्टर, नेक्टर के लिए, है ना, नेक्टर को खाने के लिए, जो नेक्टर को खाने के लिए, तो फॉर नेक्टर एडिबल पॉलन ग्रेन्स और शेल्टर, और वहाँ रहने के लिए, ठीक है ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन को
मतलब पॉलन ग्रेन को लेते हैं फॉर नेक्टर, नेक्टर के रूप में मतलब खाने के लिए, एंड वहाँ पर शेल्टर मतलब आश्रय लेने के लिए। वीज हैव पॉलन बास्केट, वीज के पॉलन बास्केट होती है फॉर कलेक्टिंग पॉलिन्स, पॉलिन्स को कलेक्ट करने के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आपका ये बी है तो पॉलिन ग्रेन इसने लिया, देन पॉलिन फ्रॉम स्टेमन स्टिक टू वी एज इट विजिट टू अ फ्लावर कलेक्ट फूड। ठीक है, फूड कलेक्ट करने के लिए आई थी, बट यहाँ पे इसका जो पॉलिन ग्रेन है वो इससे स्टिक हो गए। देन द पॉलिन ट्रेवल टू अनदर प्लांट, अनदर प्लांट पे जाके ऑफ द सेम टाइप। ठीक है ना, पॉलिन सेम टाइप के फ्लावर पे। ठीक है ना, एंड पॉलिन ऑन द वेस स्टिक टू अ पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर ऑन द अदर प्लांट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ऐसे इस पर स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट और देख लीजिए, जिम्नोस्पर्म हैव ओनली वन मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन, विंड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का ओनली विंड है, एंड एंजियोस्पर्म विच इवॉल्व मच लेटर हैव अ हाई प्रॉपर्टी सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज 65 देन यूज एनिमल्स सच एज इंसेक्ट बर्ड एंड मैमल्स एजेंसी फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, 65% जो पॉलिनेशन होता है वो आपका इंसेक्ट्स के द्वारा ही होता है। सम एंजियोस्पर्म स्टिल कंटिन्यू एज विंड पॉलिनेशन, और कुछ में आपका विंड पॉलिनेशन भी होता है। एंड करेक्टरिस्टिक्स आपको इसके देख लीजिए, तो देखिए इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटमोफिलस फ्लावर्स, फ्लावर आर यूजली लार्जर, ये लार्जर होते हैं। ठीक है, कॉन्स्पिशियस एंड जो ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, और क्या होते हैं आपके, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है ना, बड़े फ्लावर होते हैं आपके। ठीक है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। भाई किसी भी फ्लावर के पास इंसेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि वो उसे फ्लावर सुंदर लग रहा होगा। ठीक है, नेक्टर लेने के लिए आएगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, कलरफुल होगा वो, नेक्टर लेने के लिए आएगा तो वो इसीलिए तो आएगा। ठीक है, तो कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट इज एज इन रोज, सनफ्लावर एंड हॉलीहॉक इटीसी। पॉलन ग्रेन आर कवर्ड विद अ येलोइश स्टिकी सबस्टेंस, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कवर्ड किससे होते हैं, येलोइश स्टिकी सबस्टेंस, जिससे क्या बोलते हैं, पॉलन किट बोलते हैं। ठीक है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, पॉलन किट बोलते हैं। दिस मेक्स पॉलन ग्रेन स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है ना, और जब पॉलन ग्रेन होते हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी से चिपक जाते हैं। द सेपल एंड पेटल आर वेल डेवलप्ड होते हैं, शोई एंड अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। समटाइम्स पेटल डेवलप पेक्यूलियर शेप्स ऑफ टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ठीक है ना, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द नॉक्टर्नल, जो आपके नॉक्टर्नल फ्लावर होते हैं, रात में खिलने वाले फ्लावर होते हैं, वो बहुत प्यारे दिखते हैं, ब्लूमिंग करते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द नॉक्टर्नल फ्लावर्स आर इंसेक्ट्स लविंग। ठीक है ना, वो इंसेक्ट्स लविंग होते हैं। ठीक है ना, इंसेक्ट ना बहुत प्यार करते हैं। दे गिव आउट अ स्वीट स्मेल, स्मेल देते हैं एट नाइट में, टू अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फ्रॉम अ डिस्टेंस, काफ़ी दूर से भी। कॉमन एग्जाम्पल से क्या है, जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, ठीक है, रैंगून हो गया, एंड क्रीपर। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए इसमें आप लोग, वेट, ओके। नेक्टर इज सिक्रेटेड फॉर फीडिंग द विजिटिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्टर सिक्रेटेड करता है फीडिंग के लिए, एंड इंसेक्ट वहाँ विजिट करता है। नेक्टर ग्लैंड आर प्लेस्ड इन सच अ पोजिशन दैट इंसेक्ट टच बोथ एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, ऐसे पोजिशन पर होता है नेक्टर जहाँ दोनों ही होते हैं आपके एंथर एंड स्टिग्मा, जो उसे टच करता है। पॉलन ग्रेन आर रफ एंड स्टिक एंड ऑफन विथ स्पाइनस आउटग्रोथ। द स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी एंड अटैच पॉलन ग्रेन इजीली अटैच। ठीक है ना, इन मैनी केसेस पॉलन ग्रेन्स आर इटिबल एंड ऑफर एडिशनल अट्रैक्शन टू इंसेक्ट एज इन रोज। ठीक है ना, क्लामेटिस एंड मैग्नोलिया। इन मैनी केसेस स्पेशल मार्किंग अकर ऑन पेटल्स फॉर गाइडिंग द इंसेक्ट, दिस आर कॉल्ड हनी नेक्टर गाइड्स एज इन ब्यूला। मतलब जो आपके हनी है वो नेक्टर लेने के लिए किसी फ्लावर पे आएगी, देन उस पर जो पॉलन ग्रेन है तो पॉलन उस बॉडी पे स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, देन वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो वहाँ कुछ पॉलन, जो पॉलन ग्रेन है वो उस स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो मधुमक्खी कुछ वहाँ से मिलेगा तभी तो वो वहाँ जाएगी, तो वहाँ से वो नेक्टर लेती है। ठीक है ना, देखिए, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, अमंग इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंजियोस्पर्म द मोस्ट न्यूमरस ग्रुप आर दोस पॉलिनेटेड बाय वीज। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, वीज के द्वारा होता है। लाइक मोस्ट इंसेक्ट वीज इनिशियली लोकेट फूड बाय ऑर्डर एंड देन ओरिएंटेड देमसेल्फ ऑन द फ्लावर और ग्रुप फ्लावर बाय शेप कलर एंड टेक्सचर उसका। ठीक है, देखिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन व्हेन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड, इंसेक्ट सच एज बीज, बटरफ्लाई आंट द इंसेक्ट फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर
stigma to the same or another flower. ठीक है, next देखिए, when the flower are small and inconspicuous, other part become enlarged, colored and showy in bougainvillea. जैसा होता है, the bract are brightly colored होते हैं, bract उसमें brightly colored होते हैं. Euphorbia में splendors, the bract of each आपका scythium में become deep rich in deep red in color, and जब आपका poinsettia है, the leaves in flower region become wholly or partly colored. अब पढ़ते हैं ornithophily और pollination by birds. ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए. पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. जब बर्ड्स के द्वारा होता है इसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं. पॉलिनेटिंग सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड हनी ईटर्स विजिट फ्लावर्स एंड ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन. ठीक है ना, जो जो आपकी सनबर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड हैं, ठीक है ना, हनी ईटर बर्ड्स हैं, वो फ्लावर पर विजिट करती हैं क्यों? इंसेक्ट्स को खाने के लिए. ठीक है ना, तो अबाउट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन लेके आता है वो. सच वर्ड्स आर स्मॉल बट विद अ लॉन्ग वीक, बट इनकी लॉन्ग वीक होती है. अ फ्यू वर्ड ऑफ लार्ज साइज, आपका जो मैना हम जिसे बोलते हैं, पैरट, बुलबुल, क्रो ऑल्सो पॉलिनेट फ्लावर वाइल विजिटिंग डैम, ये भी पॉलिनेशन करती हैं. ठीक है, देखिए आप देख लीजिए. वर्ड पॉइंट से फ्लावर हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल होते हैं, यूजली रेड, येलो एंड ऑरेंज, हैव नो सेंट, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर. ठीक है ना, नेक्टर लेती है एंड वहाँ इंसेक्ट्स को खाने भी आती हैं ये, इसलिए वहाँ इनके इनके द्वारा इनसे पॉलिनेशन हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. फ्लावर आर ट्यूब शेप्ड, हैव लॉन्ग स्टेमन एंड स्टिग्मा. ठीक है, मतलब फ्लावर ट्यूब शेप्ड होगा एंड जो इनके पास लॉन्ग स्टेमन एंड स्टिग्मा होती है. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फ्लावर है. ठीक है ना, इसकी देखिए बीक जो इसकी है वो आपकी लॉन्ग है या नहीं, है ना. यहाँ से नेक्टर को लेने आई, इससे इंसेक्ट्स को लेने आई है. ठीक है, जब दूसरी फ्लावर पर जाएंगे तो वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वहाँ पॉलन ग्रेन गिर जाएगा, तो फिर वहाँ से पॉलिनेशन हो जाता है. एडेप्टेशन ऑफ फ्लावर फॉर वर्ड पॉलिनेशन, हाईली यील्ड ऑफ डायल्यूट नेक्टर, बिगर देन मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ओपन इन डे टाइम, ऑफन रेड एंड. ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए. ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड्स हैव अ गुड सेंस ऑफ कलर, दे लाइकली येलो एंड रेड फ्लावर. वर्ड डू नॉट हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, सो वर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर यूजली हैव रिटेल ऑर्डर. हमिंग बर्ड यूज देयर लॉन्ग वीक. ठीक है ना, हनी बर्ड क्या होती है? लॉन्ग वीक होती है. देखिए वर्ड्स हैव अ गुड सेंस ऑफ कलर, दे लाइक येलो और रेड. ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना. अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर को भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो फ्लावर्स आर लार्ज साइज बट विदाउट ऑर्डर, इसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं होती है. दे आर ब्राइटली कलर्ड विथ येलोइस, ऑरेंज, रेडिस और ब्लूस कलर होते हैं ये. कोरोला इज यूजली फनल शेप्ड, कोरोला होते हैं फनल शेप्ड होते हैं. देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फनल शेप्ड है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए फनल शेप्ड है ये कोरोला. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. फ्लोरल पार्ट आर स्ट्रॉन्ग एंड लैदरी. ठीक है, फ्लोरल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लैदरी होते हैं, तभी तो वहाँ पे वर्ड बैठ पाएगी अच्छे से. फ्लावर आर सीक्रेट लॉट ऑफ नेक्टर, फ्लावर सीक्रेट करता है बहुत सारे मात्रा में नेक्टर विथ प्लेंटी ऑफ सुगर एंड वाटर. उसके पास सुगर बहुत मात्रा में होती है एंड वाटर भी होता है. हमिंग बर्ड मे शक नेक्टर, वो नेक्टर को शक करती है इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट. ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे बिगोनिया, ठीक है ना, हनी भी करती है एंड विटिया, मोनस्पर्म में होटल वर्ड्स एक. ठीक है ना, चलिए हम देख लेते हैं. कैरेक्टरफुली पॉलिनेशन बाई, देखिए ऑर्निथोफिली. ठीक है, इट इज़ द मोड ऑफ एलोगमी परफॉर्म बाई वर्ड्स, ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर स्पेशलाइज फॉर दिस. कुछ टाइप की वर्ड होती हैं जो इस टाइप की पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. दी यूजली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक. ठीक है, कुछ से करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसको पढ़ लेने एक बार, है ना. चलिए हम बात करते हैं कैरेक्टरोफिली. तो देखिए आप लोग, कैरेक्टरोफिली और पॉलिनेशन बाई बैट्स. तो पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाई बैट्स के द्वारा होता है इस कॉल्ड कैरेक्टरोफिली. इन प्लांट लाइक आपका कदम, ठीक है ना, एंड बोइनिया, मेगालेंड्रा, ठीक है ना, एंड सॉसेज ट्री एंड एडनसोनिया ईटीसी. इन प्लांट्स में पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैट्स, इनमें पॉलिनेशन होता है बैट के द्वारा. बैट्स आर नॉक्टर्नल, ठीक है, नॉक्टर्नल होते हैं, इनहैबिट, ठीक है, रात्रि चलते हैं. दे विजिट फ्लावर फॉर नेक्टर, करते हैं नेक्टर के लिए ड्यूरिंग नाइट, नाइट के दौरान. इन द प्रोसेस,
इन द प्रोसेस दे कैरी पॉलिग्रीन। पास क्या होता है, पॉलिग्रीन होता है। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बैट्स में कैरी पॉलिग्रीन एज फार एज 30 किलोमीटर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, बैट्स आर द मेमल्स होते हैं। बैट्स पॉलिनेट एट नाइट, सो फ्लावर आर ओपन एट नाइट एंड लार्ज इन साइज। बैट परफॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पॉलिनेशन कैरेट आउट डिस्क्राइब एज कैरेक्टरफुली। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है, देन और देख लीजिए, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, राइट। देखिए कुछ कैरेक्टरफुलस फ्लावर के करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, राइट। फ्लावर्स आर स्टोर्ड अंडर लार्ज साइज, दे हैव डल कलर विद स्ट्रॉन्ग फ्रूटी ओडर, बड प्रिंट्स आर एबंडेंट, स्टेमेंस आर ऑल्सो न्यूमरस, एंड एडम्सोनिया वियर्स 1500 to 2000 पर फ्लावर। एक आपका लास्ट है इसमें मेलिकोफिली भी देख लो थोड़ा आप लोग, जो स्नेल्स के द्वारा होता है। तो मेलिकोफिली पॉलिनेशन बाय द स्नेल्स इज कॉल्ड मेलिकोफिली। इट अकर इन कोबरा प्लांट, एरम लिलीज एंड सम अदर एरोइड विच प्रोवाइड शेल्टर टू स्नेल्स। ठीक है, ये मेलिकोफिली है। इट रेफर टू द पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय स्नेल्स एंड स्लग्स, एग्जाम्पल एलोकेशिया लैमना एंड एलोकेशिया। एंड आपका होता है मेरिमिकोफिली, इट रेफर टू द पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय आंट्स। ठीक है, आंट्स के द्वारा होता है, तो मेडिकागो स्टाविया फ्लावर मिलेगा आपको। देन आज हमने देखा आपका पूरा पॉलिनेशन को अच्छे से हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये इवेंट थे हमारे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या था आपका, हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन में आपका पूरा स्टेमेन को देख लिया, है ना। देन हमने पिस्टल को देख लिया पूरा, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, इन सबको देखा, एंड पॉलिनेशन को भी देख लिया। अब क्या होगा, जब आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच चुका है, तो स्टिग्मा से अब स्टाइल से होते हुए आपका ओव्यूल तक जाएगा, है ना। वहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो सैक है वहाँ जाएगा, देन वहाँ पर जो आपकी सिनर्जेट्स एग्स एंड आपकी एग एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई है वहाँ तक जाएगा। तो अच्छा, वहाँ जाएगा देन वहाँ फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना। जब मेल गैमेट उस एग से फर्टिलाइज करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम इसी फर्टिलाइजेशन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। देन आप इसको रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।